students, our classes issue of share. Previous class re ame already discussions kari sariche terms of issue of shares. Terms of issue of shares kahile company tini prakar where a share market re sell kare. Issue at par, issue at premium, issue at discounts. Our legal provisions ame already discussion kari sariche sabhi guidelines, company act provisions. Ebong purva class re ame issue at par ro journals padhi sariche. आज आम गोटे सुइटेबल एग्जांपल्स नहीं कि तार प्रॉब्लम सॉल्व करवा. हियर इज द एग्जांपल्स. सी द बोर्ड एक्स लिमिटेड इज द कंपनी 10,000 शेयर मार्केट रे इश्यू करुची. नॉमिनल वैल्यू 10 इज एवं से नॉमिनल वैल्यू 10 इज पर शेयर को कंपनी तीन टा वेयर आनुची. फर्स्ट एप्लीकेशन समय रे रुपीज 2, अलॉटमेंट समय रे जतने कंपनी समान को अलॉट करिवो सेतेले समान रुपीज 3 देबे. Again, call stage. There are 3 calls. First call re rupees 2, second call re rupees 2, and final call re rupees 1. That is nominal value 10. That is issued at par. There is no discount, no premium. Par value. There is other information. What? There is oversubscription. When company sells share, there may be oversubscription, there may be undersubscription, or par. ओवर सब्सक्रिप्शन कहले आम कौन बुझा कंपनी जिते सेयार छाड़ी मार्केट रे बिकवापी तुम्हारे अधिक आप्लिकेसन आसला ओवर सब्सक्रिप्शन कह कंपनी जिते सेयार छाड़ी मार्केट रे कम सेयार आप्लिकेसन आसला अंडर सब्सक्रिप्शन कहे यदि ओवर सब्सक्रिप्शन होती कौन प्रोविजन रही कंपनी 10,000 सेयार मार्केट रे छाड़ी 10,000 सेयार पब्लिक 15,000 सेयार पर अप्लाई कले इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पब्लिक. पब्लिक रहिचा केते अप्लाई करिवे कंपनी रो पोजीशन डिमांड को देखी त लेटी ओवर सब्सक्रिप्शन रहिची 5000 मोर आमे बिकी परिवा 10000 15000 एप्लीकेशन आसीची 5000 एक्सेस आसीची दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन होची 5000 शेयर्स. इटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रो डिस्क्रिप्शन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रो पावर से 5000 शेयर पाई जो माने एप्लीकेंट एप्लीकेशन देइचली से मान को रिजेक्ट करियो. आरो प्रोविजन आमे आगरु पढ़ी चलचे 5000 शेयर कंपनी बिकी परिबो नाही ओनली 10,000 शेयर बिकिबो अर्थात 15,000 एप्लीकेशन जो वासीची कंपनी केवल 10,000 शेयर बिकिबो अर्थात 5000 शेयर को कंपनी रिजेक्ट करिवो. त एटी कंपनी रो आइदर दुटा ऑप्शन अछि इशू करिवो माने 5000 शेयर को बिकिबोनी माने समान को रिजेक्ट करिवो काहा को रिजेक्ट करिवो सेटा कंपनी उपरे डिस्क्रिप्शन कंपनी रो प्रोविजन सुपरे आमे देखिबा आइदर किछि शेयर होल्डर को टोटली रिजेक्ट करिवो और प्रोपोर्शनेटली बा प्रोराटाली करिवो से जा भी हो 5000 शेयर को रिजेक्ट लेटर पठाबो जे सेमान को दैट इज लेटर ऑफ रिग्रेट. रिग्रेट करा गला सेमान को रिफ्यूज करा गला रिफ्यूजल लेटर थाले एटी जदी रिफ्यूज करि दउची कंपनी से 5000 शेयर होल्डर शेयर को जे आमे शेयर दबु नाही ताले कंपनी को सेमाने ऑलरेडी 15,000 शेयर उपले एप्लीकेशन देथिबे. रिमेम्बर द स्टूडेंट्स रिमाइंड इट 15,000 शेयर उपले एप्लीकेशन देथिबे मींस 15,000 * 2 30,000 टका देथिबे किंतु कंपनी समान को 10,000 शेयर बिकिबो तले 5,000 शेयर को जेतेबेले रिजेक्ट करा हो तले कंपनी रो ऑप्शन होउची से एक्सेस अमाउंट फेरे दबो आमे जा आलोचना ऑलरेडी करिचे एप्लीकेशन ने जो 5,000 उपरे एक्सेस 2 टका नका आसीला फेरे दबो. ये कंपनी रो दुटा ऑप्शन अछि आइदर से रिजेक्ट तो आगे करिवो फेरे दे पारे और एडजस्ट करि पारे सब्सिक्वेंटली नेक्स्ट स्टेप रे अलॉटमेंट रे ए आलोचना आमे आगु करिछे तले सेही भली हेछि कंपनी रिजेक्ट कला पारे एक्सेस एप्लीकेशन ऑफ 3000 शेयर आर रिफंडेड जो एक्सेस अछि 5000 ता भीतर 3000 को रिफंड करा गला कैश फेरे दिया गला समानकु एवं अनदर 2000 शेयर को एडजस्ट करा गला अलॉटमेंट रे तले कंपनी एटी दीटा कथा करछि रिजेक्ट कला परे 2000 शेयर को एडजस्ट करछि अलॉटमेंट रे समान को फेरेनी 3000 शेयर बाबत रे फेरे दैछि तहाले समस्त को कॉल मगा जाइछि एवं समस्त देइ चंती तले हम एटी जर्नल एंट्री करबा कैश बुक करबा आ बैलेंस शीट करबा. इट इज आवर क्वेश्चन. क्वेश्चन शुड बी क्लियरली understand first then we come to journal. First step is our journal.
इन बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड जर्नल एंट्री फर्स्ट अमे ऑलरेडी डिस्कशन कर सारी अमे तीन टा स्टेज रे जर्नल करवा गोटे अलर्ट एप्लीकेशन स्टेज जितने आमको एप्लीकेशन आसूची तापर कंपनी जो अलर्ट करुच्चर जो कल मगुच कल रुपी मैक्सिमम तीन टा स्टेज करवा तो फास्ट आसवा आज एप्लीकेशन स्टेज एप्लीकेशन स्टेज एक पूर्व क्लास रे भल भाव डिस्कशन करे कंपनी एप्लीकेशन स्टेज रे मैक्सिमम चारोटी एंट्री और मिनिमम दुईटा एंट्री कर प्रथम आम एप्लीकेशन रिसीव करवा एंट्री गुटे कौन हो पाए आम आगे एप्लीकेशन रिसीव करवा एप्लीकेशन सहित से गोटे मनी देते हैं दैट इज रुपीज टू तेल एप्लीकेशन आम के रिसीव कले इश्यू करे 10,000 किंतु एप्लीकेशन दे 15,000 शेयर उपर तेल 15,000 शेयर उपर एप्लीकेशन आसो नॉट 10,000 उपर बिकज इट इज ओवर सब्सक्रिप्शन तेल प्रथम आमको मनी आसला आम बैंक अकाउंट रे जमा हला दैट इज बैंक अकाउंट डीआर केते शेयर उपर 15,000 शेयर एट द रेट रुपीज टू दैट इज 30,000 रुपी 30,000 आसला ये जो पैसा आसला कौ बाबद को आप्लिकेसन बाबद को टू सेयार आप्लिकेसन अकाउंट दैट इज एंट्री बीइंग आप्लिकेसन मनी रिसीव्ड दैट इज रिसीव्ड एंट्री फर्स्ट दैट इज 30,000 रिमेम्बर फर्स्ट आप्लिकेसन मनी रिसीव एंट्री नंबर वन then part of application application received is a part of capital this will be transferred to capital accounts then share application account dr to equity share capital एक पिला जदि आम प्रिफरेन्स सेयार होती है तो प्रिफरेन्स सेयार लिखा हम जब इक्विटी सेयार होती है इक्विटी सेयार लिखा जाए ये गोटे इम्पोर्टेंट एंट्री कथा मन रख कंपनी से मानु 15,000 सेयार उपर एप्लीकेशन मनी आनला किंतु कंपनी बिकव से 10,000 सेयार तेल ये वेरी इम्पोर्टेंट कथा आम कैपिटल खाता केखा ना कंपनी सुझे कैपिटल 10,000 सेयार उपर अर्थात कैपिटल को 10,000 शेयर ऊपर ट्रांसफर हो 10,000 शेयर एट द रुपीज रुपीज टू दैट इज 20,000 तले हियर हमें किंतु एप्लीकेशन बेले आनी चेक 30,000 केते शेयर ऊपर 15,000 शेयर ऊपर 15,000 इनटू 2 किंतु कैपिटल को केते शेयर देले 10,000 शेयर तले एक्सेस शेयर केते हमें ऊपर एप्लीकेशन आनी चेक ना एक्सेस 5,000 शेयर 5,000 शेयर उपर दि टा लेखा 10,000 आनचे कैपिटल को 20,000 गला 30,000 आसी एक्सेस अच्छी 10,000 से जो 10,000 अमाउंट आनिले एप्लीकेशन बेले केते शेयर 5,000 एक्सेस शेयर को ऊपर से मानक कौन आम ऑप्शन ऑलरेडी डिस्कशन करे आइदर रिफंड करवा और एडजस्ट करवा तो ये आसो आम क्वेश्चन कहूँ जे 3,000 शेयर को 5,000 3,000 शेयर को रिफंड कराऊँ रिफंड कराव मैंने रिवर्स एंट्री रिसीव एंट्री दैट इज शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टीआर टू बैंक केते जन शेयर को ना 3,000 शेयर को रिफंड करागला 3,000 शेयर एट द रेट रुपीज टू That is 6,000 sir. 6,000 rupees, 6,000. That is being excess application money refunded. Here is the entry, three entry. One is application money received, then application transfer to capital, then excess 3,000 shares. आर रिफंडेड 3,000 शेयर उपर रिफंड होला तापर देखिबा कि आउ 2,000 एक्सेस टोटल 5,000 टू 3,000 रिफंड हेले आउ 2,000 शेयर्स रहिले जो मानकु आमे कोन प्रोविजन्स रे लखाई छी क्वेश्चन ने से माने रिफंड नेलेनी से माने कहले आमे जो ओरिजिनल 10,000 भीतर जो शेयर होल्डर रहिले से माने कहले तार भीतर किछि ग्रुप अछि जो 2,000 शेयर से माने कहले हमहु को फेराउनी
आमको अलॉटमेंट बेले एडजस्ट कर देबो तले आमे इटी एडजस्टमेंट एंट्री करबा 2000 शेयर रो दैट इज से अप शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दैट इज 2000 शेयर एट द रुपीस 2 4000 here the maximum 4 entry this 4 entry is maximum number of journal entry one is application receive second is capital transfer third one is your refund fourth one is your adjustment here being adjustment of excess application money with allotment as per provision as per question this entry can be also written in form of compound journal entry what entry bhi hame pass kari parithante kintu for suitable explanation bhalo bhabare bujhiba pai ame ko maximum 4 ta entry kale next stage is your our allotment stage here company board of directors prathame jo applicants rahile 10000 share upare semanku allotment letter pathaibo je semanku company share allot kala that is sikruti dela confirmation letter ebong taha pare semanku gote amount due karibo that is allotment money per share tale ei pila mane mone rakho कंपनी अलॉटमेंट ओनली कहि परबो 10000 शेयर एक्सेस 5000 टू 2000 को एडजस्ट करा गला 3000 को रिफंड करा गला तले कंपनी मैक्सिमम बिकि परबो 10000 शेयर सेई मान को अलॉटमेंट कराबो तले आगे अलॉटमेंट करा जीव मींस आगे ड्यू कराबो लेटर कंफर्म होला माने समान को पर ड्यू होई गला तले अलॉटमेंट रे आगे ड्यू एंट्री हेले दैट इज फर्स्ट एंट्री शेयर allotment account dr to share capitals 10000 share 10000 share at the rate allotment money is per share rupees 3 3 each that will be 30000 that is allotment is due first due allotment is due right second it is your money will be received after due money will be received from the concerned applicants jo man ko ame share bikile sei man ko tharu allotment money receive kariba 10000 super 80 pila mane amar tika mathematical calculation kariya ko padibo tale ame general sense re dekhiba 10000 share into 3 30000 ड्यू होइछ माने 30000 रिसीव हो किंतु एनी रियल प्रैक्टिस रे तले हमें स्टेप 1 कुट के फेरि जबा 2000 शेयर रो एप्लीकेंट को कहितिले जे समानो को आमे अलॉटमेंट बेले एडजस्ट करि देबु अर्थात समान अलॉटमेंट बेले जो पैसा देई थांते 10000 शेयर ऊपर जो जो माने किनि चंदी से माने देबे नाही इन द एक्सटेंट ऑफ 2000 शेयर 3000 शेयर को हमें फेरि देइछे सेमानु को हमें अभी पैसा मांगी परिवा किंतु 2000 शेयर पर जो मैंने अप्लाई करी थी सेमाने एक्सेस पैसा दे थी एप्लीकेशन हमें तब रिफंड करी ने तब कोई जा एडजस्ट करीवा तो लेटी कोटे एडजस्टमेंट हो बट इज बैंक अकाउंट डीआर ड्यू 30000 योर ड्यू इज 30000 लेस 2000 शेयर इनटू 2 दैट इज 4000 दैट इज अर्थात 30000 आमे ताको तरु ड्यू करूथिले ताको एडजस्ट करिसे 2000 आप 2000 शेयर ऊपर 2000 * 2 4000 अर्थात ताको तरु आमे रिसीव करिबा 26000 ओनली इट इज वेरी इंपोर्टेंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट
allotment money is received. Right? This is the very important. 30,000 is due. 10,000 share into 3. 30,000 depa kotha. Kintu semane application bele. 2,000 share. 3,000 muhanti. 3,000 ferai jai. 2,000 ferai no tela. Tenu semane ku kuhai tela allotment bele adjust karai jibo. 2,000 share into 2. ताले सेमाने एक्सेस कंपनी ऊपर तांगो पैसा तेला तरु सेमाने आउ 30,000 नोदे की काटी रखी कते देवे 26,000 देवे दैट इज टू स्टेज दैट इज टू एंट्री विल बी पास एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ओके देन आमे जीवा कॉल स्टेज आमे जानि छ तीनटा स्टेज रे जीवा देन आसीबा फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल फाइनल कॉल फर्स्ट इज देन इज आवर कॉल स्टेज हियर इज फर्स्ट कॉल स्टेज Similarly, two entry will be passed. What is this? First due, then receive. First call, rupees 2 per share. हमें 10,000 share को ऊपर due करीबा, एवं सही 10,000 को ऊपर को receive करीबा, आउ adjustment नहीं कारण से adjustment only allotment पर जो तो थी ला. ताले हमें आगे first प्रथमे due entry करने कौन होगा? ना share, first call account, DR, to share, कैपिटल 10,000 शेयर एट द रेट 2 ईच दैट विल बी 20,000 सिमिलरली फर्स्ट को बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू देन रिसीव करिबा बैंक अकाउंट हियर 2 शेयर फर्स्ट कॉल दैट इज 10,000 शेयर at the rate rupees 2 that is 20,000 that is received this is the first call stage similarly second call stage what will be second call stage second call next will be share second call account here to share capitals Similar 10,000 share, 10,000 share at the rate 2, that will be 20,000. When second call is received, due then receive. Ke bolo, application change rage receive tapre due. Kino apto tapre allotment jate ko call, aage due hobo tapre receive hobo. Then receive bank account here to share second call, see 20,000. 10,000 share at the rate. Similarly, हमें final call करेगा, final call stage. First entry due, then receive share, final call account, dear to share capital. Your final call money per share rupees one. The due entry 10,000 share. At the rate rupees 1, that will be rupees 10,000. Then final call money will be received. Bank account here to share final call accounts. Being final call received. As per question, all calls are due and received. That is 10,000. Then after journal, debit column, credit column will be agreed. This is the journal entry. First things our people, we pass journal for problem relating to issue of at par. Issue at par ro, ame ude question nahi, tar ude example kale, application stage nele, allotment nele, first call nele, second call nele, final call nele. This is the issue procedure. After students, हमें ये journal जो करे अदर बड़े cash book बनेगा, then balance sheet करेगा. Cash book, particulars, amount, XLTD, as on, right? Here, what are
belongs to the business company are right on debit side. Application बड़े, allotment बड़े, call बड़े, call रो तीन टाइम स्टेज रे हमें जहाँ जहाँ निचे करो लिखी हुआ debit रे एवं जहाँ जाई ची business रो credit रे balance मारी वो cash book हमें बनेगा. पहले first two application application बड़े हमें company 10,000 share into two 15,000 share into two 15,000 share ऊपर application आस्तला 30,000 का आस्तला. Similarly allotment बड़े आमे एडी जो एप्लीकेशन बड़े 30,000 आसीतिला आमे एडी पिला मने पकाओ आमे 3,000 शेयर होल्डर को 3,000 शेयर ऊपर रिटर्न करि देतेले अर्थात बिजनेस रु क्या जाईतिला तनु भाई एप्लीकेशन 83,000 शेयर एट द रेट रुपीस 2 6,000 आमे रिफंड ऑलरेडी कर देतिले राइट. तापर आमे अलॉटमेंट बड़े केते टका आनीतिले अलॉटमेंट बड़े आमर डी होतला 30,000 टंका 10,000 इंटू 3 30,000 2,000 जो एक्सेस थिले से माने एडजस्ट हेतिले 2 दुने 2,000 इंटू 2 4,000 हमको दवार नथिला हम ऊपर थिला तो हमें अलॉटमेंट बड़े 26,000 आनीतिले पिला माने एटा जर्नल रु अब तुम्हें माने असेस करी की पोस्टिंग करी परिबो. देन फर्स्ट कॉल बड़े हमें आनीतिले फर्स्ट कॉल बड़े हमें आनीतिले 2 टका ने का 10,000 इंटू 2 20,000 टंका. सेकंड कॉल बेले आमे आनी थिले 10,000 इंटू 2 20,000 टंका. फाइनल कॉल आनी थिले 10,000 इंटू 1 10,000 टंका. एतिको कैश हम बिजनेस को आसीथिला एवं आमे देखिबा बैलेंस करिबा आसीथिला एवं आ प्रिफंड होइतला 6,000 टंका. यदि आमे आकु ग्रॉस अप करिबा तले आमे जानि परिबा केते बैलेंस सी वाई बैलेंस वाई बैलेंस सी बाय टी. सिक्स वन जीरो सिक्स थाउजेंड एक लाख क्या 6,000 टंका एक करे क्या कैसे 6,000 थिला एटी हमारा 1,00,000 कैश इन हैंड रहिला दैट इज कैश आई कैश इन हैंड एट एंड ऑफ द ऑल कॉल दैट इज 30,000 20,000 20,000 50,000 70,000 80,000 106 दैट इज 106 1,00,000 1,00,000 बैलेंस कले एवं ऑलरेडी 6,000 टका रिफंड हेतला तेणु क्याश इन हैंड आम पाखे 1,00,000 टका रहिला दैट इज क्याश बुक. क्याश बुक रु आमे बिजनेस रे क्याश केते एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल सुधा रहिला इशू स्टेज रे इशू परे ताले आमे जानिले. नेक्स्ट स्टेज आमे बैलेंस शीट करिबा इन स्टेटमेंट फॉर्म. पिला माने वर्तमान बैलेंस शीट आमे स्टेटमेंट फॉर्म रे प्रिपेयर करिया जाउ छी. मन रेको ट्रेडिशनली अकाउंट्स फॉर्म रे करा जाउतला टी फॉर्म रे वर्तमान न्यूली कांसेप्ट ऑफ जाई स्टेटमेंट फॉर्म रे हमें बैलेंस शीट करिबा दैट इज बैलेंस शीट. पर्टिकुलर्स अमाउंट्स दैट इज आल्सो अमाउंट दैट इज बैलेंस शीट ऑफ एक्स एलटीडी आज ऑन ए पर्टिकुलर डेट. हियर फर्स्ट आमे प्रथमे बैलेंस शीट रे स्टेटमेंट फॉर प्रे कैपिटल एंड लायबिलिटीज शो करिबा. कैपिटल एंड लायबिलिटीज कैपिटल लायबिलिटीज रो फर्स्ट असे शेयर होल्डर फंड्स. शेयर होल्डर कर कोन फंड्स रही छ शेयर इट इज द हेडिंग फर्स्ट हेडिंग शेयर होल्डर फंड. शेयर होल्डर फंड कहले कैपिटल्स रिजर्व सरप्लस जनरल रिजर्व्स और इंटरनल्स फंड जहां इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रिफरेंस शेयर होल्डर को हमरा सुजीवार अछि दैट इज कैपिटल शेयर होल्डर फंड्स. फर्स्ट इज योर इक्विटी शेयर कैपिटल. हियर इक्विटी शेयर कैपिटल इज योर टोटल्स 10,000 शेयर एट द रेट 10 इज
that will be 1 lakh. Shareholder fund is 1 lakh. Here, our question is reserve nahi, surplus nahi, security premium nahi, other internal liability nahi. Tale only shareholder fund achi. Ebong current liability tapare, current liability, tapare others long term liability, e mane question re nahanti. So, total shareholder fund is capital and liability is 1 lakh. Next column ko carry kala. That will be balance total assets. Then, asiba assets. Asset side re ame nama, age current asset. Here current asset, Kyasat Bank. That is Kyasat Bank. Only that is Kyasat Bank is 1 lakh. Already find out from cash book. Cash book ra me find out koche Kyasat Bank. That is liability 1 lakh. Asset also 1 lakh. Asset is equal to liability. That is in statement form. You can prepare the balance sheet in also traditional form, that is balance sheet of XLTD as on particular date. That is liability amount, that is assets amounts. First liability. So students, first we write what are the capital structures in order. First, तुम्हें माने जाने चाहिए authorized capitals, that is authorized capital. Question ने दे था ना authorized capital दे ही नहीं, तले ये authorized capitals similarly नवा 10,000 share, that is 10,000 shares are the rate 10 each, that is 1 lakh. It will be close. Then authorized पर issued capital similar way, issued capital. Let all are, it is authorized, issued, subscribed and called up, paid up. Same things. Kind of other information amu question ne dehi ni. Ehi order ame likhiwa. Then issued, then subscribed. Subscribed capital something, 1 lakh. Then called up capital. Similarly 1 lakh. Then paid up capital. The students, paid up capital is actual capital. Iti ame paid up capital lele. That is capital structure age ei order le likhi authorized, issued, subscribed, called up. Question ne mention thile. No thile egura totally omit kar diya jai. Paid up capital nahi hobo. Ko total kete ame capital receive kariche. Iti call in arrears ro provisions rahibo ja agu ko ame padhiba. वर्तमान में हमें एटी असेट्स नवा दैट इज करेंट असेट कैसेट बैंक कैसेट बैंक हमें कैश बुक रू कैलकुलेट कर सारी दैट इज बैलेंस कर उभय साइड दैट इज 1 लाख इटी भी 1 लाख एटी स्टूडेंट रिमेम्बर मन रख ऑथराइज कैपिटल थिले नबो इशूड कैपिटल थिले नबो को सब्सक्राइब कैपिटल थे नवा कॉल्ड ऑफ कैपिटल रो एडजस्ट है कि पेड ऑफ कैपिटल भाइबो जेतु हम क्वेश्चन ने किछ इंफॉर्मेशन नहीं केवल इशूड कैपिटल अछि त हमें धरि नहीं छै ऑथराइज भी 10,000 इशूड भी 10,000 शेयर ऑल आर 10,000 शेयर एट द रेट 10 इंच कारण मल्टी पार इज दैट इज अनदर वे ऑफ प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट ट्रेडिशनल मेथड्स दीटा ऊपर कहि पारो किंतु इट इज एडवाइस तुम्हें माने स्टेटमेंट फॉर्म रे करिवो कारण आगु को जत्ते बेले तुम्हें हायर स्टडी करिवो बैलेंस शीट ओनली स्टेटमेंट फॉर्म रे बनाबो आजिर क्लास रे हमें जे आलोचना करले पिला माने एउडा को सब नोट डाउन नोट करिवो एवं एनालिसिस करिवो डिटेल वीडियो को वाच करिवो अगेन एंड अगेन तापर कांसेप्ट क्लियर हबो एवं गोटे एग्जांपल नै निजे एप्लीकेशन करिवो ओके थैंक यू